हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अड्डा 24/7 पे। मेरा नाम है शिखर सिंह और अब हम बात करेंगे कि ये जो मेरे 30 to 35 days बचे हुए हैं, इसमें कैसे हम लोग केमिस्ट्री कवर कर सकते हैं। देखो, अब ये टाइम है, बहुत ज्यादा लिमिटेड टाइम है, तो ऐसा तो हम कर नहीं सकते कि भाई साहब हर एक टॉपिक को थोरोली स्टडी कर लिया। नहीं, तो अब वही ऐसे बच्चों के लिए जिनके पास इतना टाइम है और जिनको अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छी रैंक लानी है, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छा बढ़िया तरीके से अपनी बैचलर्स कंप्लीट करनी है, तो उनके लिए दोस्त श्योर शॉर्ट वीडियो लेके आया हूं मैं। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में कैसे कैसे और कौन कौन से वो टॉपिक हैं जिसको विद इन दीज डेज अगर मैं कवर कर लूंगा तो मेरा इतना पक्का है कि जो 50 में से जो 40 क्वेश्चन करने हैं उसमें मैं मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन कर दूंगा। ठीक है, और बढ़िया रैंक भी आ जाएगी। ठीक है, तो आ जाइए दोस्त, वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि जो केमिस्ट्री वाले, केमिस्ट्री डोमेन वाले बच्चे हैं वो एक भी टॉपिक, एक भी क्वेश्चन मिस ना करते जाए। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं बात करता हूं, मैं सीधे सीधे आपका सिलेबस सामने रख देता हूं। ठीक है, इतना पूरा है, अब इतना पूरा लिमिटेड टाइम है, बहुत कम टाइम है। अगर आपका पेपर एक्सटेंड नहीं हुआ, पिछले साल हुआ था लेकिन इस साल ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, तो अगर आपका पेपर एक्सटेंड नहीं हुआ तो आपके पास शेड्यूल 25 days ही बचे हुए हैं। तो इन डेज में अब देखो ये है, मैं तुम्हारा पूरा सिलेबस दिखाऊंगा और आपको पता है कि ये सारा अब तुम कवर नहीं कर सकते। तुमने सिलेबस वाली बहुत सारी वीडियोज देख ली है, तुमने सिलेबस अपनी पूरी नोटबुक पर लिख रखा है, लेकिन अब उसका कोई फायदा है नहीं। अब अपन चलेंगे ऐसे टॉपिक्स पे जो 100% मतलब 90 to 100% पेपर में हैं। और ये मैं ऐसा कुछ हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये साइंटिफिक डेटा है। मैंने आपका प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ है, वैसे सीयूटी 1-2 साल से हुआ है, तो जो प्रीवियस ईयर पेपर है, और होता क्या है कि ये जो आपका पेपर है ये नीट से एक स्टेप डाउन है। जो नीट वाला पेपर होता है उससे बस थोड़ा सा कम ही है, बहुत ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो वो कौन से टॉपिक्स हैं एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले सॉलिड स्टेट पे आते हैं। अब ये जो 12th वाले बच्चे हैं सॉलिड स्टेट देख के घबरा जाते होंगे, क्योंकि सॉलिड स्टेट भाई साहब आया ही नहीं था इस बार वाले एग्जाम में, पिछली बार भी नहीं आया था, उन्होंने डिलीट कर दिया था, कैंसिल कर दिया था, लेकिन सीयूईटी में क्वेश्चन आएगा और भर भर के क्वेश्चन आएंगे। तो अब इसके ऐसे टॉपिक्स क्या है, तो देखो एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि पैकिंग एफिशिएंसी, मैं बता रहा हूँ लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अभी मार्क कर दूंगा। एक है यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी हर किसी की आपको पता होनी चाहिए, SCC, BCC, FCC, ठीक है। उसके बाद वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे बनते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे बनते हैं, ये सब है। और रेडियस रेशियो रूल, रेडियस रेशियो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहीं से आएगा। और ये जो मैंने पैकिंग एफिशियंसी बोला है ये वाली बात, ठीक है। तो क्या क्या बोला मैंने, एक तो तुम्हारा हो गया पैकिंग एफिशियंसी, मैं सिंगल लाइन से मार्क कर दे रहा हूँ। उसके बाद ये वाले पैकिंग इन सॉलिड्स, इसी में इंक्लूड हो जाता है वो। इसके बाद डेंसिटी निकालने वाला फॉर्मूला जरूर आपको पता होना चाहिए, वो जो डेंसिटी वाला होता है ना, ZM/A³NA, वो वाला, ठीक है। तो डेंसिटी वाले, अगर तुमने ये 3-4 टॉपिक कर लिए इन पे, यहीं से आता है क्वेश्चन, इधर उधर नहीं हिलेगा, ठीक। उसके बाद इतना काफी है दोस्त, मैं बोल रहा हूं ना, इतना कर लो तुम, क्वेश्चन मिस नहीं होगा, यहीं से इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अब मैं आता हूं तुम्हारे सॉल्यूशंस पे, ये तो तुमने बढ़िया तरीके से पढ़ाई है। सॉल्यूशंस में आंख बंद करके बस तुम्हें सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अगर तुम्हें सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है, चार ही है भाई मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, चार ही है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्री डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फिर मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर, ये चार कर लो, यहीं से क्वेश्चन आएगा, इधर उधर से नहीं हिलेगा। सॉल्यूशन चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ। आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो फेवरेट क्वेश्चन है वो है मेरा नष्ट, नष्ट बाबा को नष्ट अगर तुमने कर दिया, वहीं से क्वेश्चन आता है, वहीं से क्वेश्चन आएगा, हमेशा सदा वहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो एक मैंने आपको नष्ट बता दिया, और एक वो जो इनफाइनाइट डिल्यूशन वाला होता है ना, कॉनलोसिस लॉ ऑफ इनफाइनाइट डिल्यूशन, वो देख लेते हैं, ठीक है। आ जाओ इधर, तो एक तो हो गया मेरा ये कॉनलोसिस लॉ, ठीक, और उसके बाद एक आ जाओ देखो, ये कॉनलोसिस लॉ मैंने बता दिया, एक ये है नष्ट को नष्ट कर देना, नष्ट को नष्ट कर देना, ठीक है। हाँ, ये और इंपॉर्टेंट है, देखो जो क्लास 12th में तुमने एग्जाम दिया होगा उसमें भी तुम्हें दिक्कत हुई होगी, सर ये मेरे पास ये जो है बेचारा फ्यूल सेल, इसकी जितनी भी रिएक्शन है, जैसे मरकरी वाले हो गया, तमलगम वाले जितने भी थे, तो उनकी रिएक्शन याद रखनी है, नहीं रखनी है, तो उनकी रिएक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, फालतू का टाइम खाता है। तो ये सब है इसमें, बस न्यूमेरिकल के लिए नष्ट हो गया, कॉलोसिस लॉ हो गया, ठीक है, इतना काफी है दोस्त। अपन बढ़ते हैं आगे, सॉरी यार, अब आ जाओ इधर केमिकल काइनेटिक्स पे। अब देखो केमिकल काइनेटिक्स में क्या है कि यहाँ मेरे को 3-4 चीजें पता होनी चाहिए। एक तो मैंने उठा के पूरा रेट लो याद कर दिया,
कैसे रेट लॉ लगता है। उसके बाद वो जो मेरा रेट लॉ से यूनिट निकल के आती है रेट कांस्टेंट की, वो मुझे ध्यान रखनी है। कैसे? मैं रेट कांस्टेंट की यूनिट से बता देता हूं कि ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। और इसकी अरहीनियस इक्वेशन हो गया, या फिर जो मेरी गैसियस थ्योरी थी ना नीचे, कोलिजन थ्योरी ऑफ गैसियस एटम्स वाली, वो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं ये वाली कोलिजन थ्योरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बस इतना ही है इसमें। और सबका फेवरेट टी हाफ तो आएगा, टी हाफ से तो क्वेश्चन आएगा। क्लियर? क्लियर, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ इधर, सरफेस केमिस्ट्री। अब इस चैप्टर में एक दिक्कत है कि दोस्त ये वाला चैप्टर भी आया नहीं था। आया नहीं था तो कुछ नहीं है, केमीज ऑप्शन और फिजीज ऑप्शन अगर इतना पता है कि मेरा क्या एड्सोर्बेंट होता है, क्या एड्सोर्बेट होता है, एलिमेंट्री आइडिया की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद यहां पे ये चीज ध्यान, लायोफिलिक और लायोफोबिक, यहां से क्वेश्चन पक्का आता है दोस्त, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, अब इनका ना एलिमेंट्री आइडिया, ये जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ एलिमेंट्री आइडिया, इसका मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन है वो ऊपर ऊपर से ही आता है, ज्यादा डीप नहीं आएगा। तो अगर इसका तुम्हें आइडिया रहेगा तो इसका क्वेश्चन तुम कर लोगे। अब इधर आ जाती है मेरी मेटलर्जी। मेटलर्जी में कुछ रिएक्शंस होती हैं, भाई भाई एनो कैथोड वाली, इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, तो वो सब आपको ध्यान रखना है। इसमें जो इम्पोर्टेंट, अब इन्होंने अलग से दे दिया है तो आपको सारी मेटल्स की मेटलर्जी ध्यान नहीं रखनी है कि सारी मेटल्स को मैं एक्सट्रैक्ट करके दिखाऊंगा, नहीं। आपको एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक एंड आयरन उन्होंने अलग से ही स्पेसिफाई कर दिया है, तो आप भी इन्हीं पे ही स्टिक करोगे, ठीक है। तो ये कहानी है, मैंने इनका भी आपको बता दिया। बढ़ते हैं अपन आगे, ये है बड़ी कहानी, मेजर कहानी। मैंने तब भी जब मैं क्लास 12th वाले, मतलब जब उनके एग्जाम चल रहे थे, तब भी मैंने बोला था दोस्त पी ब्लॉक अभी नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे, नीट, सीयूईटी या फिर जेईई वाला एग्जाम है, उसमें भर भर के आता है, देख रहे हो। तो अब इसमें जितने भी मेरे ब्लॉक होते हैं, 15 हो गए, मतलब न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके, या फिर ओल्ड स्टाइल से डीप हो, या फिर फिरकल बाहर आएंगी आंटी, तो इन सब में आपको इनकी जनरल प्रॉपर्टीज तो ध्यान रखनी है। मैं सब कॉमन के लिए बता रहा हूँ, जनरल प्रॉपर्टीज एज इन, जनरल प्रॉपर्टीज एज इन कि अगर मैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल खोल देता हूँ तो लेफ्ट टू राइट मूव करूंगा तो मेरी साइज, ऑक्सीडेशन स्टेट, रिएक्टिविटी, ये सब, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि भाई साहब ये पता होना चाहिए, यही बोलूंगा मैं, सारा टॉपिक्स आपको कवर भी कराऊंगा विद इन 30-35 डेज, मैं आपका चकाचक करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना, है ना। बने रहिए बस चैनल पे, मैं आपका सब करा दूंगा, ठीक है। अब आ जाओ इधर, ठीक। तो जनरल प्रॉपर्टीज, अब कुछ लोगों को दिक्कत आती है वो जो मेरी प्रिपरेशन वाली जो रिएक्शंस होती हैं। देखो प्रिपरेशन वाली रिएक्शंस मैंने माना कि आपको वहां पे रटना पड़ेगा, मैं ऑनेस्टली बात करूंगा कि वहां पे आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, पी ब्लॉक इसलिए सबका देखो है क्या वास्ट है और आपको रटना भी है, तो अब उस चीज को 30-35 दिन में वहां टाइम अपन खराब नहीं करेंगे, तो उस चीज को अपन इग्नोर करते हुए जनरल प्रॉपर्टीज, ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज। और उसके बाद बस एक ये जो प्रिपरेशन वाली है, प्रिपरेशन वाली एक दो तो रिएक्शन याद रख लेना, बस अलग अलग से लिख लेना पेपर पे, वो तुम्हारे ध्यान हो जाएगा। और हर एक का मेरे को ऑक्सो एसिड्स जो रहते हैं ना, ऑक्सो एसिड्स, वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया, प्रिपरेशन हो गई किसकी, अलग अलग से अगर तुम देखोगे, जैसे मेरे ये है फॉस्फोहैलाइड है, पेंटाहैलाइड है, ट्राईहैलाइड है, अगर तुम ये करने जाओगे तो अब इनके स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक बार को तुम प्रॉपर्टीज ना करके जाओ, लेकिन स्ट्रक्चर जरूर करके जाना। होगा क्या, चार स्ट्रक्चर बना देगा, कौन सा किसका है बताओ, ठीक है। तो स्ट्रक्चर एक बार को तुम्हारे क्या है कि अगर कोई चीज बनी होती है, कोई डायग्राम होता है, कोई फिगर होता है, वो तुम्हें इजिली याद रह जाता है, तो इसलिए मैं बोलूंगा स्ट्रक्चर्स पर ध्यान रखना है, तो वहां पे सीधा टिक मार के आ जाना, ठीक है। ये हो गया, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हो गई, तो ये सारी कहानी होती है। वैसे इन्होंने ना ज्यादा तुम्हें तकलीफ देने की दिक्कत भी नहीं करी, इधर देख रहे हो, इधर देख रहे हैं, इनको भी स्ट्रक्चर्स ही चाहिए, इनको भी स्ट्रक्चर चाहिए कि भैया तुम स्ट्रक्चर कराओ, हो जाएगा। और स्ट्रक्चर ईजी है, बहुत ईजी, मैं पढ़ाऊंगा पी ब्लॉक का वन शॉट में कंप्लीट कराऊंगा, मतलब कराऊंगा तो सारे चैप्टर्स के वन शॉट, पर अभी बता रहा हूँ कि यहाँ पे इनके तुम जब स्ट्रक्चर बनाओगे ना, बहुत ईजी है दोस्त, क्लियर। बहुत बढ़िया, चलते हैं अपन आगे, आ जाते हैं डी एंड एफ पे। अब देखो डी एंड एफ पे आपको दो चीजें तो पक्का ध्यान रखनी है, एक होता है मेरा वही जो मेरे ऑक्सो अनायंस होते हैं ना, ऑक्सो अनायंस, एक होता है मेरा KMnO4,
और एक K2Cr2O7। ये तो यार ध्यान रख लो, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में इससे क्वेश्चन आता है, सीबीएसई वालों ने भी क्वेश्चन दिया था, तो तुम लोग भी इसका कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे ये लिख भी रखा है। अब इनकी भी प्रॉपर्टीज वही वही वाली कि अगर मैं डाउन द ग्रुप मूव करूंगा, अरे लेंथनॉइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रेक्शन आपको ध्यान रखना है, लेंथनॉइड और एक्टिनॉइड यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है, पक्का आएगा कि मेरा साइज जब मैं 4F से 5F में जाता हूं तो मेरा साइज इतना ज्यादा इंक्रीज क्यों नहीं होता, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज क्यों रहता है, तो वो लेंथनॉइड कॉन्ट्रेक्शन वाली चीजें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, लेंथनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है, क्लियर। और ये कैरेक्टर्स ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया मेटलिक कैरेक्टर, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, जो मेरी जनरल प्रॉपर्टीज है, साइज वाला हो गया, एंथैल्पी हो गई, ये सब तो आपको ध्यान रखना, चाहे वो मेरा पी ब्लॉक है या फिर डी ब्लॉक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे अगर आते हैं तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में दो तो तुम्हारे जबान पे होना चाहिए, बीबीटी एंड सीएफटी तो तुम्हारे टिप्स पे होना चाहिए, कोई पूछने आ जाए D8 में मैग्नेटिक मूवमेंट बता दो तो फट से बताओगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन सा है फट से बताना चाहिए, तो ये वाले तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इतना सीख गए तो आधा चैप्टर तो यहाँ खत्म, आधा नहीं मैं बोलूंगा 60% तो यहाँ खा जाता है, क्योंकि मेटलिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक मूवमेंट ये सब भी आ जाता है, और आधा चैप्टर आता है तुम्हारा IUPAC, मतलब जो वर्नर्स थ्योरी के बाद अपन जो IUPAC पढ़ते हैं ना वहाँ, तो तुम्हारी IUPAC भी तुम्हें आनी चाहिए, ईजी है, मैं कराऊंगा, तो IUPAC नॉमेनक्लेचर भी आपको आनी चाहिए। और देखो मोनोन्यूक्लियर वाले हैं तो इतना भी तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, क्लियर है, ठीक है। इनमें यहाँ ये चीज बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इंपॉर्टेंस या फिर एक्सट्रैक्शन, यहाँ से रेयरली क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन जो आएगा वो मेरा बीबीटी और सीएफटी से ही आएगा, कोई डाउट अभी तक किसी को होना नहीं चाहिए। आते हैं अपन ऑर्गेनिक पे, आखिरी पार्ट पे, ऑर्गेनिक, हेलो एल्केन्स, हेलो वरिन्स, जिसको मैं जीओसी में ही पढ़ लेता हूँ, और जीओसी में पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको ध्यान रखना है SN1 एंड SN2 वाली बात है, ठीक है, SN1 SN2 आना चाहिए। उसके बाद ये जो यूजेस हैं, ठीक है, ये यूजेस ऐसे अलग से वो कभी कभी एक आध MCQ फॉर्म में भी दे देता है, तो एक बारी पढ़ लेना, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई साहब तुम्हें रटने होनी चाहिए ना, एक बारी बस पढ़ लेना, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए कि मेरा जो CX बॉन्ड है अराइल हैलाइड या फिर एल्काइल हैलाइड में किसका बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, कौन सा मेरा न्यूक्लियोफिलिक शो करेगा, कौन सा मेरा इलेक्ट्रोफिलिक शो करेगा। उसके बाद ये तो चैप्टर है जैसे एल्काइल, मतलब एल्कोहल, फिनॉल से नीतर है, इसके बाद जो दिखाऊंगा एल्डिहाइड, क्विनोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनकी सारी नेम रिएक्शन, ऑल नेम रिएक्शन। मैं एक काम करूंगा, तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में सारी नेम रिएक्शंस करा दूंगा, ठीक है, तो सारी नेम रिएक्शंस पता होनी चाहिए, सबकी प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए, ठीक है, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज बस इतना काफी है। मैं अभी ये नहीं कह रहा कि सर 30 दिन में सब कुछ ही बता दे रहे हो, ना, नेम रिएक्शन, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज इनफ है, मोर देन इनफ है दोस्त, क्लास 12th में भी तुमने देखा होगा कहां से मेरा क्वेश्चन आया था, ठीक है, ठीक। SN1 SN2 हमेशा ध्यान रखिएगा, फिनॉल और कुछ कुछ वो ध्यान रखना, एनिलीन, टॉलिडीन, ये सब एसिटेनलाइड, ये सब आपको ध्यान रहना चाहिए, रीमर टीमैन हो गई, अरे नेम रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, रीमर टीमैन हो गया, या फिर मेरी जितनी भी और भी हैं, होट्स हो, मतलब वोट्स हो गई, फिटेग या फिर वोट्स फिटेग, ठीक है, गैटरमैन कोच, ये सब आपको ध्यान रखनी है बस, मतलब वो ऑल नेम रिएक्शन में आ जाएगा, इतना काफी है दोस्त, 30-35 दिन में इतना कर लिया ना, मजा आ जाएगा तुम्हारा। आते हैं अपन वही एल्डिहाइड कीटोन, इसमें भी मैं वही बोलूंगा ऑल नेम रिएक्शन, ज्यादा है नहीं इसमें भी और इसमें भी, ये जो मेरा अमीन्स वाला चैप्टर है, देखो अमीन्स वाले चैप्टर में ये वाला जो चैप्टर है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा जो है मेरा बेसिसिटी का, तो ये वाला क्वेश्चन तो पक्का है दोस्त, ये तो पक्का आएगा यहाँ से कि बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये वाला अगर तुमने कर लिया मजा, ठीक है, कि 2 degree अमीन, 3 degree अमीन, 4 degree अमीन, और इनका भी यहाँ पे मैं बोलूंगा, देख रहो यहाँ पे लिखा हुआ है ना आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, मैं तुम्हारे डेली सेशन लेता हूँ, वैसे आपको पता होना चाहिए 4-5 डेली सेशन चलते हैं, उसमें मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चंस भी करा रखे हैं इसके, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन में ये हो गया, और यहाँ बेसिसिटी आ जाती है, इस चैप्टर में आ जाती है मेरी एसिडिटी,
भर भर के जो मेरी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अपन पढ़ते हैं तो ये बहुत आती है, भर भर के आती है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। कोई भी दिक्कत आए, कहीं भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स आपका खुल रखा है, वहां पर पूछ सकते हो, बाकी मैं सबका वन शॉट भी लूंगा, क्लियर। तो ये सब है डाइएज़ोटाइज़ेशन। डाइएज़ोटाइज़ेशन बहुत नॉर्मल रिएक्शन है, वो इसमें ही आ जाता है, इसमें ही आ जाता है वो। अरे वो बनाते नहीं है एन टू पॉजिटिव सी एल नेगेटिव, तो वो तुम इसी में पढ़ लोगे, अलग से करने की जरूरत नहीं, ठीक। आखिरी पार्ट देखो, बायोमोलिक्यूल्स तुमने कर रखा है ये तुमने कर रखा है, अब इसमें कर रखा है मतलब एज इन ट्वेल्थ में आया था वो, थोड़ा तबीयत थोड़ी सी बस कोल्ड हो गया, ज्यादा कुछ है नहीं, चंगा हूं मैं बस, तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा वो खांसी वासी को। उसके बाद यहाँ पे क्लासिफिकेशन मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ये सब ऑल ये आपको पता होना चाहिए। ओलिगोसैकेराइड 2 से 10 के बीच में रहेगा, मोनोसैकेराइड तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जो मेरे बॉन्ड होते हैं, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ अल्फा अमीनो एसिड बनता क्यों है, वो सब आपको पता होना चाहिए। पेप्टाइड बॉन्ड, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, ये सब, ठीक है। और यहाँ पे आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर, जिसको मैं हैवोर्थ स्ट्रक्चर बोलता हूँ ना, वो भी आपको आना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसको लिख लो, यहाँ से सदा क्वेश्चन आता है, श्योर शॉर्ट टॉपिक है ये तुम्हारा, है बहुत स्ट्रक्चर, क्लियर, ठीक है। उसके बाद ये डीएनए आरएनए, अब इनके बारे में बस एलिमेंट्री आइडिया लेना है कि भैया अच्छा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, यहाँ इसमें मेरे कौन से बेसिस होते हैं, ठीक है। तो एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूरेसिल तो मेरा आरएनए में होता है, ठीक। पॉलीमर वाली कहानी, अब पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये तो चैप्टर आपके ट्वेल्थ में आए नहीं थे पिछले 2 साल की अगर मैं बात करूं, लेकिन इतना इसमें कुछ है भी नहीं। सबसे पहले आपको मोनोमर याद रखने हैं, किस किस के, पॉलीथीन का मोनोमर, ये सब के मोनोमर याद रखने हैं कि किस में कौन सा मेरा मोनोमर होता है, किससे मिलके बना है। यहाँ से बस यहीं से क्वेश्चन आता है, उठा के देखो कि मेरा किसका मोनोमर है, नायलोन 6-6 का मोनोमर क्या है, बेकलाइट का मोनोमर क्या है, पॉलीथीन का मेरा मोनोमर क्या है, ठीक है। एमसीक्यू वाला क्वेश्चन पेपर रहेगा तो इसमें तुम्हारी डाउट रहेगा नहीं। अब केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तो इजी है यार, सोप्स एंड डिटर्जेंट पढ़े हैं पर, मिसल विसल तो कर लोगे, ये तो तुम्हारे नॉर्मली लाइफ में अपन यूज करते हैं, जैसे एनल जैसे किसके लिए है, एस्पिरिन किसके लिए है, ट्रैंकलाइजर ये भी जो रहते हैं, एंटीसेप्टिक, इनका वैसे तो आधी चीजें तुम्हें पता है, जो नहीं पता है बस एक बारी इसको रीड आउट करना है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, ये वाला जो है ना आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, तुम्हारे पास 30-35 दिन है, ठीक है। तो ये सारी कहानी है, आई होप तुम लोगों को पता लग गया होगा इतना कि ये जो मेरा टाइम ड्यूरेशन है इसमें मुझे क्या करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, इसी के साथ सेशन करते हैं एंड। आई होप तुम लोगों को चीजें समझ आ गई होंगी, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना अगर तुम्हारे इसलिए चीजें क्लियर हैं, जो भी आपको चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और ध्यान रखिएगा ये सारा कुछ मैं कवर करूंगा वन शॉट की फॉर्म्स में, और डेली मेरी क्लास 4 बजे रहती है जिसमें मैं क्वेश्चंस भी कवर करता हूं। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।